हिंद, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अनदर जॉब अपडेट के बारे में, जो कि ये आपका CCL की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेंट्रल कोल लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है, जिसमें से ये आपका वैकेंसी रांची से निकाली गई है। ठीक है, इसके बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं कि टोटल क्या यहाँ पर प्रक्रिया होने वाली है, कब तक अप्लाई करना है, अप्लाई करने की सारी प्रोसेस भी हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि रोज़गार सूचना एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाला गया है, जिसमें से पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि CCL इज़ हैविंग वैकेंसीज फॉर फॉलोइंग पोस्ट। ठीक है, जिसमें से नेम अगर पोस्ट की बात करें तो लेखापाल तक एवं सू ग्रेड ए यानी कि अकाउंटेंट TNS ग्रेड ए पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 11 सीटें निकाली गई है। ठीक है, इसमें से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या यहाँ पर गाइडलाइंस दिए गए हैं, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। पहला अगर बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं कि अपने सभी प्रासंगिक दस्तावेज को हस्ताक्षरित प्रति जो है जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, ये सारे देख सकते हैं कि विकलांग अगर है तो इसके लिए भी प्रमाण पत्र जो है आपका यहाँ पे, यदि लागू है तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अन्य संबंधित दस्तावेज जो है आपको यहाँ पर एक जो कि सील्ड लिफाफे में अधिनामक जो कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट या आपका यहाँ पे विभागीय डाक द्वारा महाप्रबंधक भर्ती, जो कि भर्ती भी ये आपका यहाँ पे दिया गया है, एड्रेस महाप्रबंधक भर्ती भर्ती विभाग द्वितीय तल्ला, ये आपका दामोदर जो कि यहाँ पे वेल्डिंग, ये आपका सिलेंडर कोलिडोर जो कि लिमिटेड दरभंगा जो कि हाउस रांची 43-40-29 पे आपको यहाँ पे पोस्ट करनी है। इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे या तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्री द्वारा या स्पीड पोस्ट या विभागीय डाक द्वारा आपको इस फॉर्म को भेजनी है। ठीक है, तो भेजने की जो डेटें हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आवेदन करने का जो 28 जून 2022 तक कर सकते हैं, संध्या 5 बजे तक वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या दी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन जो कि यहाँ फॉर्मेट जो इनक्लोज्ड अलॉन्ग विथ ऑल द रिलेटिव ड्यूज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग कास्ट सर्टिफिकेट, PWD, EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड आदि अनदर रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स इन, ये आपको यहाँ पे द जनरल मैनेजर जो कि रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट सेकेंड फ्लोर जो कि दामोदर बिल्डिंग सेंट्रल कोल लिमिटेड ये आपका दरभंगा हाउस रांची में आपको यहाँ पे 43-40-29 पे आपको यहाँ पे भेज देनी है। ठीक है, तो ये आपका एड्रेस था जो कि आपको रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट या डिपार्टमेंटल डाक के द्वारा आपको भेजनी है। कब तक भेजनी है, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है जो कि हिंदी में लिखा हुआ था, यहाँ इंग्लिश में लिखी गई है 18 जून 2022 5 बजे तक आपको यहाँ पे भेज देना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि ये एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट इन द रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट CCL, जो कि ये आपका यहाँ पर रांची विल बी जो समरली रिजेक्टेड, अगर डेट के बाद अगर आपका एप्लीकेशन पहुंचता है तो वो आपका फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले आपको यहाँ पे भेज देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन की और भी क्या क्या प्रक्रिया दी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आवेदन केवल उचित माध्यम द्वारा ही भेजी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन ये आपका दिया गया है शुड बी सेंड थ्रू प्रॉपर चैनल ओनली, जो आपका दिया गया है उस चैनल के माध्यम से ही आपको यहाँ पर भेजना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है निर्धारित प्रारूप में नहीं भरे गए आवेदन अथवा आवेदन पूर्ण से भरे हुए आवेदन या बिना प्रारंभिक दस्तावेज को संलग्न किए गए फिर बिना उचित माध्यम द्वारा अग्रेषित किए गए आवेदन को अस्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि अगर आपको एप्लीकेशन एक दिखाएंगे उसको आपको अच्छी तरह से फुलफिल करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन सेंड अदर देन इन प्रेजेंट, ये आपका फॉर्मेट इन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और अदरवाइज ऑल द इनक्लोज और नॉट फॉरवर्ड थ्रू, यहाँ पे प्रॉपर चैनल
सेल बी रिजेक्टेड, यानी कि अगर आपका प्रॉपर चैनल पे अगर नहीं रहेगा तो आपका यहाँ पे फॉर्मेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म को। सभी प्रारंभिक दस्तावेज आप ये आपका अभ्यर्थी के निरंतरण अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है इंश्योर शुड बी ये आपका ड्यूरली अटेस्टेड बाय द कंट्रोलिंग जो कि ऑथराइज्ड ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपका वहाँ पे साइन सारे डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उपरोक्त पदों पर आवेदन यहाँ पे करने हेतु विभागीय कर्मचारी के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। अगर आप डिपार्टमेंटल आदमी हैं, यानी कि देयर इज़ नो एज बार फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसका कोई एज लिमिटेड नहीं दी गई है, कोई भी एज के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे प्रारंभिक यहाँ देखते हैं प्रबंध को बिना कारण बताए किसी प्रकार का समय चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार भी दिया गया है, यानी कि द मैनेजमेंट रिसीव दैट राइट टू चैनल टू रिक्वायरमेंट प्रोसेस और एनी अदर ये अदरवाइज यहाँ पे असेंडिंग एनी रीज़न है ये आपका आउट ऑफ रेज, मतलब अगर किसी प्रकार की वो अगर वो चयनित को कैंसिल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रोजगार सूचना से संबंधित, ये आपका यहाँ पे उद्देश्य हेतु आपका और यहाँ पे डेट दिया गया है 18 जून 2022 होगी जो कि आपका यहाँ पे कट ऑफ डेट आपका प्रोसेस यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो आपको 18 जून तक आपको यहाँ पे सारे प्रोसेस कर देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं रोजगार सूचना में हिंदी या अंग्रेजी यहाँ पे सहकर्ण में किए गए प्रकार की विभिन्न स्थिति में अंग्रेजी सहकार को ही वैध मानी जाएगी, यानी कि अंग्रेजी से जो आपका फॉर्म भरा रहेगा वो ही यहाँ पे वैलिड होगा। जिस पद के लिए आवेदन किए जा रहे हैं उस पद नाम आवेदन के लिफाफे में आपको यहाँ पे ब्लॉक लेटर में आपको लिख देनी है, यानी कि बड़े अक्षर पे आपको यहाँ पे लिखना है। देख सकते हैं कि ये जो है आपका यहाँ पे जो दी गई है आपका पोस्ट जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंटेंट TNS ग्रेड ए जो कि या मिनिमम ये आपका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे ICWA या CA की यहाँ पे इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना है कि इंटर यहाँ पे दिया गया इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना है, मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट एग्ज़ाम ऑफ ICWA और CA, ठीक है, तो ही यहाँ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो। नेक्स्ट बात करते हैं उस पद के लिए आवेदन करते हुए विभागीय कर्मचारी के लिए न्यूनतम आवश्यक जो कि आहार्त रहना अनिवार्य दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका डेट जो बता दिए हम आपको 18 तारीख दिए गए हैं, ये आपका यहाँ पे फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको केयरफुली भरना है और इसी के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगा के आपको स्पीड पोस्ट कर देनी है, या आप रजिस्ट्री कर सकते हैं स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या आपको आपको यहाँ पे भेज देनी है, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन है, इसे आपको प्रिंट आउट करा लेना है। तो इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहाँ से आप वेबसाइट पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था, किसी प्रकार की कोई डाउट प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था, धन्यवाद। ये आपका यहाँ पे वेबसाइट है, देख सकते हैं, ये वेबसाइट से आप इस फॉर्मेट को अप्लाई डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।